हेलो दोस्तों, चलिए आज इस ड्राइंग को सॉलिड वर्क्स में बना के देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए, इसको बनाने के लिए हम एक सर्कल लेते हैं जिसको हम एक्सट्रूड करेंगे 2000 mm, और उसके बाद ऐसे ही ऊपर से प्लेन लेने के बाद ये सर्कल हमको नीचे सरफेस पे एक्सट्रूड करना है, और उसी तरह से इसको हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे सेल कमांड से। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉलिड वर्क्स में बनाना। तो इसमें लेते हैं राइट प्लेन और यहाँ पर लेते हैं सर्कल, और ये सर्कल हमारा 300 का होगा। इसको करते हैं एक्सट्रूड, और ये हमको करना है 2000 एक्सट्रूड, यानी कि इसको कर देते हैं 2000 mm। डबल क्लिक, और उसके बाद हमको लेना है एक प्लेन, करते हैं इस टॉप प्लेन पर क्लिक, उसके बाद लेते हैं प्लेन। तो मिड से हमारा एक प्लेन आएगा, तो इसको करते हैं हम 1000 लेके देखते हैं। तो इसको कर देते हैं हम 1200। ओके, और करते हैं इस पर क्लिक, स्केच कंट्रोल एट, उसके बाद लेते हैं सर्कल, और ये सर्कल भी हमें सेम रखना है, यानी कि 300 का रखना है। यहाँ से डिस्टेंस देते हैं सर्कल के मिड से, ओरिजिन 1000, और अब ये ब्लैक नहीं हुआ यानी कि फुली डिफाइन नहीं हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्सर ज़्यादा देख रहे हैं, अंडर डिफाइन आ रहा है। तो इसको सेंटर पॉइंट लेंगे और कर्सर का लेंगे, तो यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट लेंगे सर्कल का, उसके बाद ओरिजिन का सेंटर पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा हॉरिजॉन्टल रिलेशन, तो ये आपका ब्लैक हो जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं एक्सट्रूड। सिंपली इसको एक्सट्रूड करने के लिए हमको इसमें लेना है ये रिवर्स की साइड में, तो इसको करते हैं रिवर्स, और यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको अप टू सरफेस, करते हैं अप टू सरफेस, सिलेक्ट करते हैं सरफेस, ये हमारा सरफेस है, इसको करते हैं ओके। तो अब इसमें हम एक नई कमांड का यूज़ करेंगे, वो है सेल कमांड, जो कि हमको किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए मदद करता है। ये बहुत ही हेल्पफुल कमांड होती है, जो आप ये देख सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, इसमें हमको थिकनेस यहाँ पर दे रखी है, कितनी हमको थिकनेस रखनी है, तो हमको 10 ही थिकनेस रखनी है इसकी, 10 mm। तो जो प्लेन हमको लेने हैं वहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं, जैसे कि इस प्लेन पे हमको सेल करना है, और इस प्लेन पे करना है, और इस वाले प्लेन पे करना है, तो इसको करते हैं ओके। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल होलो हो चुका है अंदर से, और 10 mm की इसकी थिकनेस है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसको कट करके बीच से, तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का ये पाइप टाइप में टी हमारा बन चुका है। इसको करते हैं ओके, इसको करते हैं क्लिक, और उसके बाद लेते हैं इस वाले फेस को, स्केच कंट्रोल हिट लेते हैं, और उसके बाद चलिए एक सर्कल बनाते हैं हम बड़ा। ये सर्कल हमारा होगा 450 का डायमीटर, उसके बाद एक सर्कल और लेते हैं, ये हमारा रहेगा वर्टिकली ओरिजिन से। तो इसको डायमेंशन जो हमको देना है वो देना है, आप ड्राइंग में देख सकते हैं 185, तो 185 इसको देते हैं एंटर, उसके बाद इसको देते हैं हम डायमीटर, तो इसको हम लेते हैं 35। तो इसको 35 लेने के बाद ही अभी एक्सट्रूड यानी कि फुली डिफाइन नहीं होगा, तो इसको करते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट रिलेशन वटी। और अब इसके बाद जो हमको करना है वो करना है इसको पैटर्न। तो पैटर्न करने से पहले हम कन्वर्ट एंटिटी लेते हैं और अंदर का सर्कल को सिलेक्ट करते हैं ओके। तो अंदर का सर्कल हमारा बन चुका है कन्वर्ट एंटिटी से, उसके बाद लेते हैं हम सर्कुलर स्केच पैटर्न, क्लिक करते हैं सर्कल को, और तो इस सर्कल से हमारा ये पैटर्न हो चुका है। तो इसको लेते हैं हम 4 की जगह 6 नंबर ऑफ सर्कल, करते हैं ओके, और यहाँ से करते हैं इसको एक्सट्रूड। तो इसको लेते हैं हम केवल 20, डबल एंटर, तो ये आप देख सकते हैं कि 20 एक्सट्रूड हमारा हो चुका है सिंपली। तो इसके बाद चलिए इधर इसको हमको मिरर करना है, और ऊपर भी इस तरह की प्रोफाइल बनानी है, तो इसको इधर मिरर कर लेते हैं। मिरर करने के लिए हमको, मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी चीज़ को बीच में रखने के लिए प्लेन लेते हैं, इधर क्लिक करते हैं और इधर क्लिक करते हैं, बट इस केस में हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो ये फाइल बनाई है ये बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर रखी है, जिसके वजह से हम जो इधर को मिड प्लेन लेंगे इस फेस को सिलेक्ट करने के बाद वो मिड में नहीं आएगी। तो उसके लिए हम सिलेक्ट सिंपली करेंगे इस वाले फेस को, और ये हमारा 2000 यानी कि 2000 का है, तो इसको 1000 लेंगे और फ्लिप डायरेक्शन में कर देंगे, तो हमारे एग्जैक्ट मिड में आ जाएगा। तो अब इस प्लेन की हेल्प से हम इसको करते हैं मिरर, यहाँ पे हमारा मिरर है, और ये हमारा प्लेन सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट, फीचर को करते हैं जिसको मिरर करना है, इसको करते हैं ओके, तो ये मिरर हो चुका है। तो इसमें दे देते हैं फ्लिट, और इसको करते हैं ओके। तो ये हमने इसको इधर फ्लिट दे दिया, और इसी तरह की प्रोफाइल हमें ऊपर बनानी है, तो आप भी इसको जल्दी से बना लीजिए, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ।
तो आपको यहाँ पे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये प्रॉब्लम आएगी। जब इसको आप सिलेक्ट करोगे सर्कल को, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, हमारे जो इस सेंटर से ये इसको रिवॉल्व करेगा। तो हमको क्या करना है, इसको ऑप्शन इसके क्या होते हैं, तो सिंपली अभी आपको एक ऑप्शन दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। इस पर सर्किल पर क्लिक करोगे और इसको ऐसे पकड़ोगे और यहाँ पर इसके सेंटर पर ला के ऐसे रख दोगे, और ये यहाँ पर आप साइड में नीचे देख सकते हैं कर्सर के वाइट ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर इसको क्लिक कर दोगे। तो उसके बाद यहाँ पर कर देते हैं हम 6 नंबर ऑफ सर्कल, डबल एंटर, और उसके बाद जो मैंने आपको बताया था एफ टू बाहर की तरफ कर देना है। तो चलिए इन कॉर्नर्स पे फिलेट दे देते हैं। और ये जो फिलेट हमको देना है ये देना है 20 का, इसको करते हैं ओके। तो अभी ऊपर मैं आपको एक इसमें मिस्टेक दिख रही होगी, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या मिस्टेक है। सर्कल पे क्लिक करेंगे, स्केच इस पर, तो ये अभी पैटर्न नहीं हुआ है हमारा, तो पैटर्न करने के लिए दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। सर्कल स्केच पर जाएंगे, क्लिक करेंगे इस पर, इस पर क्लिक करने के बाद कर्सर को इस पर लाएंगे और इस तरह से घुमाकर इस पॉइंट पर रख देंगे, और इसको नंबर ऑफ सर्कल 6, इसको करते हैं ओके। स्केच से आ जाएंगे बाहर, तो सिंपली आप देख सकते हैं हमारे ड्राइंग बनके तैयार है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।